हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? तो भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पोकेमोन के बारे में। तो ये सीरीज़ हमारी चल रही है गाइस, और ये सीरीज़ ठीक ठाक चल रही है, इतनी अच्छी भी नहीं चल रही और बुरी भी नहीं चल रही है। सो गाइस, अगर आपको बहुत सारे पोकेमोन्स पर मैंने वीडियो बना दी और आपको जानना है उन पोकेमोन्स के बारे में, तो ये एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है बेस्ट मूव सेट। अभी प्लेलिस्ट ज़रूर देखना गाइस। इसमें सिर्फ मूव सेट के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पोकेमोन की और भी स्पेशलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस उस पोकेमोन के बारे में जो पोकेमोन अभी हमें मिलने वाला है गाइस। तो वो पोकेमोन है गेंगर गाइस। तो गेंगर का क्या मेगा गेंगर आने वाला है, हॉलोवीन आने वाला है। तो हॉलोवीन में जो रेड्स आएंगी उसमें मेगा रेड्स में मेगा गेंगर आने वाला है गाइस, ठीक है। तो वो ऐसे आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चलो आप पूरी वीडियो में बताते हैं क्या क्या बताने वाले गाइस। सबसे पहले गेंगर कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या उसकी वीकनेस है, उसके बाद कैसे उसको मतलब गेंगर बनेगा कैसे, ठीक है। मतलब उसको इवॉल्व, अगर छोटा रूप मिलता है उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, गैस्ट्ली मिल गया तो क्या करोगे। और लास्ट में बताएंगे गाइस मूव सेट, ठीक है। अगर मूव सेट सिर्फ देखना है गाइस तो वीडियो पूरी आप छोड़ के लास्ट में जा सकते हो गाइस। और वैसे पूरी वीडियो देखो गाइस, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात गाइस ये है कि जो गेंगर है वो एक घोस्ट टाइप पोकेमोन है गाइस, घोस्टिंग पर्सन टाइप। तो ये देखो गाइस, ये है शाइनी गैस्ली। शाइनी गैस्ली है गाइस घोस्ट एंड पॉइजन टाइप पोकेमोन है गाइस। ये इजीली अवेलेबल है वाइल्ड में, ये आपको वाइल्ड में मिल जाएगा, शाम के टाइम मिल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग के टाइम मिल जाएगा, और किस्मत अच्छी रही दिन के टाइम में मिल जाता है। बस मैक्सिमम चांस इनका शाम के टाइम ज़्यादा होता है गाइस, पहली बात। दूसरी बात गाइस, शाइनी गैस्ली अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा गाइस। और वो ट्रिक ये है कि कम्युनिटी डे में मिलता है शाइनी गैस्ली। और अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो गाइस, मतलब 2020 में देख रहे हो, तो दिसंबर में शाइनी गैस्ली मिलने वाला है। कम्युनिटी डे इसका निकल चुका है, बट दिसंबर में रिपीट होते हैं जैसा मैंने सुना है आज तक। तो जो भी कम्युनिटी डे आज तक निकले हैं साल 2020 में, जितने भी कम्युनिटी डे हुए हैं वो सारे दिसंबर में दोबारा रिपीट होंगे। तो वहाँ पर आप शाइनी गैस्ली पकड़ लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गाइस हम आगे, कि अगर आपको गेंगर गैस्ली ऑन द स्पॉट अभी चाहिए गाइस, तो इसी महीने मेगा गेंगर की रेट्स आने वाली हैं गाइस। वो रेट्स में आप पार्टिसिपेट करना और आपको गेंगर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस, ये टॉपिक पे वीडियो बनाने के पीछे रीज़न गाइस ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक पीवीपी बैटल की थी गाइस, जो कि मैंने आप लोग सामने शेयर की थी। और उसमें यार कमेंट आ रहे थे कि भाई गेंगर के बारे में बताओ, गेंगर कैसे मिलेगा, ट्रेड कर लो, ये कर लो। सो गाइस, पहली टिप ये है कि ट्रेड कभी मत करना, ठीक है। ये पोकेमोन इतने ज़्यादा सेंसिटिव पोकेमोन है कि इनको अगर आप पीवीपी में यूज़ भी कर रहे हो ना तो शील्ड देनी पड़ती है। और आप उस केस में आप कोई गेंगर ट्रेड करके लेके आ जाते हो तो भैया फिर उसको आप क्या दोगे? शील्ड तो मतलब ठीक है, बट उसका डिफेंस और एचपी सब तो पहले से गिरा हुआ है गाइस। तो ऐसे तो मत ही करो गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम लोग गेंगर की, गेंगर निकाल तो भाई गेंगर के बाद आता है गाइस हंटर। तो ये देखिए हंटर है गाइस। हंटर बहुत बढ़िया पोकेमोन है ग्रेट लीग में, मतलब इसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस है गाइस, ठीक है। तो ग्रेट गैस्ली, हंटर, और फिर आता है गेंगर। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास गेंगर हैं। कितने गेंगर हमको दिखा देता हूँ, मेरे पास तीन गेंगर हैं गाइस। तो एक ये है ग्रेट, दो, एक ग्रेट लीग के लिए और दो अल्ट्रा लीग के लिए। तो मैं शाइनी वाला यूज़ कर रहा हूँ गाइस। क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी आईवीज़ अच्छी है गाइस, ठीक है। आईवीज़ इसकी ज़्यादा अच्छी है, बट इसकी सीपी कम है, और इसकी सीपी, तो इन फ्यूचर मैं इसको आगे करूँगा, प्रमोट करूँगा गाइस। और क्या पता दिसंबर में और अच्छा मिल जाए, तो लेट्स सी। तो गाइस, गेंगर की वीकनेस क्या है गाइस? तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं गेंगर को। तो इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन ये है कि ये दो टाइप का है गाइस। प्राइमरली ये घोस्ट टाइप है, और सेकेंडरी ये पॉइजन टाइप है गाइस। तो घोस्ट एंड पॉइजन है, तो घोस्ट क्या इसको ओवरकम कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो पॉइजन टाइप पोकेमोन की जो वीकनेस होती है और जो घोस्ट टाइप की, उनको कंबाइन कर देंगे तो आपके सामने कुछ कॉमन वीकनेस आएगी गाइस। जैसे डार्क जो है इसके लिए थोड़ा सेंसिटिव है, डार्क हो गया, घोस्ट टाइप हो गया, ग्राउंड टाइप हो गया, और साइकिक अटैक हो गए। तो ये जो चार अटैक बताएं गाइस, ये इन टाइप के अगर अटैक इस पर पड़ेंगे तो ये थोड़ा सा वीक रहेगा गाइस, ठीक है। और गाइस ये पोकेमोन अल्ट्रा लीग में इतना क्यों यूज़ हो रहा है,
उसके भी सिंपल सा रीज़न गाइज ये है, अल्ट्रा लीग में फाइटिंग टाइप पोकेमोन बहुत ज़्यादा आते हैं गाइज। मैचम मतलब रैंक वन का पोकेमोन है, तो समझ जाओ कि मैचम कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है गाइज। तो मैचम का जवाब है ये, ठीक है, क्योंकि मैचम की कहीं ना कहीं वीकनेस पॉइजन से भी है गाइज, ठीक है, और ये पॉइजन टाइप भी है तो फाइटिंग को मतलब झेल जाएगा। उसके बाद ये पॉइजन अटैक को तो मतलब झेलेगा, पॉइजन टाइप पोकेमोन को पॉइजन से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको नॉर्मल से ही फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइज। बग से तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइजन इसको काफ़ी मतलब बचा रहा है, बग से बचा रहा है। ग्रास अटैक से भी इसको कोई फ़र्क नहीं है गाइज, पॉइजन होने की वजह से इसको फेरी से भी कोई फ़र्क नहीं है गाइज। तो ये जो मैंने आपको छः बताए हैं रेजिस्टेंस, ये इसके मतलब मेन रेजिस्टेंस है, इनको मतलब ये झेल जाएगा। स्पेशली फाइटिंग से तो इसको मतलब घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इतना बता रहा हूँ। क्रॉस चॉक तो आप बिना शील्ड के झेल सकते हो, उसके बाद इसको शील्ड तो देनी पड़ेगी यार। शील्ड देने के पीछे रीज़न यही है इसकी HP 125 है यार, तो वो एक रीज़न है गाइज। तो मैं आपको इधर कवर कर रहा हूँ गाइज, अल्ट्रा लीग कवर कर रहा हूँ बेसिकली गाइज। तो अल्ट्रा लीग कवर करने के पीछे रीज़न आपका यही था गाइज, जैसे कि मैचम बोल दिया, वीनस और हो गया, गैराडोस हो गया, टोकिस हो गया, ये सारे पोकेमोन्स को ही कर लिया गाइज। वहीं पर थोड़ा सा बचना पड़ सकता है हम लोगों को, तो बचने के लिए यार देखो स्नोरलैक्स जो है वो नॉर्मल टाइप पोकेमोन है, बट अगर स्नोरलैक्स का सामना होगा तो ये स्नोरलैक्स से हार जाएगा गाइज। क्यों हार जाएगा? स्नोरलैक्स के पास जो दोनों अटैक हैं वो बहुत खतरनाक हैं। पहला अटैक उसका लिक और दूसरा अटैक उसका क्या है वो अर्थक्वेक गाइज, तो ये ख़त्म कर देंगे इसको। फिर लेप्रास है, चारिज़ार्ड है, चारिज़ार्ड इसको ख़त्म कर देगा गाइज। स्वैम्पट के पास यार मड स्लैप ख़त्म कर देगा, अर्थक्वेक ख़त्म कर देगा, ड्रैगनाइट भी ख़त्म कर देगा गाइज। तो ये कुछ पोकेमोन से जिनसे बचना है, बट आप देखोगे इतना ये यूज़ नहीं होते, बाकी संभाल लोगे यार, तुम समझदार हो गाइज। तो गाइज अब आपके पास गैस्ली है, सपोज़ आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास गैंगर नहीं, आपके पास गैस्ली है गाइज, और आपको गैस्ली को गैंगर बनाना है इस वीक के अंदर। अगर आपको गैंगर को गैस्ली इस वीक के अंदर बनाना है ना गाइज, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो है वो चेक कर लेना और उसको फॉलो कर लेना। अगर वो फॉलो कर ली वीडियो ना गाइज, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप मिनिमम 7 डेज बोल रहा हूँ गाइज, आप कम से कम 7 डेज में बना लोगे। और अगर आप नहीं कर पाते हो किसी कारण, तो मैं आपको कह रहा हूँ 2 वीक के अंदर आपका गैंगर हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप शायद से अगस्त कैंडीज तो थोड़ी बहुत तो होंगी और बाकी कैंडीज आपको मिल जाएंगी, तो वो वीडियो पक्का देख लेना गाइज, आई बटन पर लगा दिए वीडियो, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं गाइज बेस्ट मूव सेट के बारे में गाइज। तो जैसे कि गैंगर जो पोकेमोन है बहुत मतलब लाजवाब पोकेमोन है गाइज, ठीक है। अब जो लोग गैंगर को अभी इवॉल्व करेंगे गाइज, उनके पास एक अटैक नहीं होगा गाइज, और वो अटैक है गाइज शैडो पंच। शैडो पंच अटैक उन लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों ने गैंगर है जिनके पास, जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव डेक के दिन इसको इवॉल्व किया था, उनके पास शैडो पंच होगा गाइज, ठीक है। और अगर आपको शैडो पंच चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एलाइट चार्ज TM यूज़ करना पड़ सकता है गाइज। बट अगर आप दिसंबर तक वेट कर लेते हैं और एलाइट चार्ज TM को यूज़ नहीं करते हैं, तो दिसंबर में जो कॉम्पिटिटिव डे आएगा उस दिन अगर आप इवॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा शैडो पंच, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट मूव सेट है गाइज वो है फास्ट अटैक आपका होना चाहिए शैडो क्लो। शैडो क्लो फास्ट अटैक क्यों होना चाहिए गाइज? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल अटैक यही है गाइज, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला अटैक यही है, और शैडो क्लो काफ़ी सारे पोकेमोन्स पे हावी पड़ता है गाइज, ठीक है। बाकी इसका डैमेज भी ठीक ठाक है। चार्ज अटैक्स की बात करें गाइज, तो सबसे बेस्ट चार्ज अटैक क्या है गाइज? वो है इसका शैडो बॉल। शैडो पंच इसका बेस्ट अटैक नहीं है, शैडो बॉल इसका बेस्ट अटैक है गाइज। बेस्ट अटैक है प्लस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अटैक है शैडो बॉल गाइज। शैडो बॉल का डैमेज बहुत ज़्यादा है, गिराटिना को एक शैडो बॉल पड़ जाता है ना गाइज, तो वो मतलब टेढ़ा पड़ जाता है गाइज, टेढ़ा भैंस है। और बहुत ज़्यादा बहुत सारे पोकेमोन ऐसे हैं जो कि मतलब समझ जाओ गाइज, शैडो बॉल इज डेंजरस। शैडो पंच नेक्स्ट अटैक होना चाहिए गाइज। शैडो पंच क्यों होना चाहिए? शैडो पंच का डैमेज बहुत कम है, 40 का ही है गाइज। शैडो पंच सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी आता है, जल्दी आके मतलब अगर सपोज आपका विनस और एक स्लज बॉम्ब मारने वाला है गाइज, जितने में वो एक स्लज बॉम्ब मारेगा उतने में ये डेढ़ हो जाएगा गाइज, मतलब
एक मार्क के अगला रेडी होगा, चार जो छुआ होगा बस उसका आ जाएगा। तो गाइज ये इसके बेस्ट मूव सेट हैं, शेडो क्लो, शेडो बॉल एंड शेडो पंच। सपोज आपका शेडो पंच नहीं है तो क्या करोगे? सपोज शेडो पंच नहीं तो क्या करना है? तो आपको स्लज बॉम्ब रखना है गाइज। स्लज बॉम्ब रखोगे वो भी काफ़ी अच्छा अटैक है गाइज, गलत नहीं है। इसके गाइज बहुत सारे ऐसे अटैक हैं जो कि मतलब एलाइट टीएम से मिलते हैं। तो इसके जो लेगेसी अटैक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई एक या दो नहीं है गाइज, इसके लेगेसी अटैक बहुत सारे हैं। गेंगा की खास बात गाइज यही है कि इसके लेगेसी अटैक की एक लंबी लाइन है गाइज। तो अगर मैं बात करता हूं इसके लेगेसी अटैक की गाइज तो आप अगर सुन लो गाइज, तो इसका एक लेगेसी अटैक है जो है स्लज वेव। स्लज वेव इसका लेगेसी अटैक है जो कि अब शायद से कोई भी यूज़ नहीं करता है। उसके बाद डार्क पल्स इसका एक लेगेसी अटैक है गाइस, वो भी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। उसके बाद है साइकिक लेगेसी अटैक है, साइकिक इसका लेगेसी अटैक है गाइस जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है गाइस अभी लेटेस्ट चल रहा है शेडो पंच। इसके पास गाइस फोकस ब्लास्ट भी है गाइस, फोकस ब्लास्ट भी काफ़ी अच्छा अटैक है गाइस, बट वही टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आपके पास बता शेडो बॉल सबसे बेस्ट अटैक है, शेडो बॉल, और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं स्लज बॉम्ब। शेडो पंच अगर है तो अच्छी बात है, अगर शेडो पंच नहीं है तो आप स्लज बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो गाइस ये है हमारा गेंगर, वो भी शाइनी वाला, गांजा भी था मुझे लग रहा है, इसकी आंखें देख रहे हो गाइस। सो गाइस मैं आई बटन पे वीडियोस लगा लूँगा, आप चेक कर लेना प्लीज़। और मैं इसका जो मैच था वो वाली वीडियो भी लगा दूँगा, डेडिकेटेड टू गेंगर वीडियो है गाइस, वो पूरी आप देख लेना। उसमें मतलब तहलका मचा दिया है, लंका लगा दिए, क्या भी जो भी बोलूँ कम है गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही है, और देखो अच्छी लगे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।